दोस्तों सिक्योरिटी लेकर यहाँ पे जो इशू चल रहा है इंडिया में, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से आपको पता है बहुत सारे ऐप्स यहाँ पे बैन कर दिया है, लेकिन जो फ़ोन नया यहाँ पे आ रहा है उस फ़ोन में प्री इंस्टॉल चाइनीज़ ऐप इंस्टॉल होके आ रहा है। और रियलमी का रिसेंटली जो फ़ोन आया है C11, उसमें आपको वो ऐप्स देखने को मिलेगा जो ऑलरेडी यहाँ पे बैन है। और मैंने यहाँ पे दो चार वीडियो ऐसे भी बना दिया था आप कैसे प्री इंस्टॉल ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर चाहिए तो। कुछ दिन पहले पोको की तरफ से एक ओपन लेटर आया था कि नेक्स्ट अपडेट के बाद पोको का जितने सारे मोबाइल है सब मोबाइल में यहाँ पे प्री इंस्टॉल जितने सारे ऐप है वो अनइंस्टॉल कर सकते हो जो इंडिया में बैन है। तो यहाँ पे रियलमी की तरफ से भी एक नया नोटिस जारी किया गया है अभी, तो यहाँ पे देख लो नोटिस का जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे दे दिया। तो डियर फैंस एंड मीडिया फ्रेंड्स, वी होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल एंड एवरीथिंग इज सेफ ऑफ एट योर एंड। रिसेंटली वी हैव बीन रिसीविंग क्वारीज रिगार्डिंग सर्टेन प्री इंस्टॉल ऐप एंड रियलमी स्मार्टफोन। एज ए रिस्पॉन्सिबल ब्रांड वी टेक ऑल आवर फीडबैक वेरी सीरियसली एंड विद द डेयर टू लिव स्पीड वी ऑलवेज एक्ट विद एक्चुअल स्पेसिफिक एंड इमीडिएट एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन लेने के बात कर रहा है और कस्टमर से फीडबैक लेके यहाँ पे उन्होंने कुछ डिटेल्स जारी किया है। योर डेटा प्राइवेसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर रियलमी एंड वी हैव नेवर शेयर्ड यूजर डेटा विद एनी एंटिटी। रियलमी ऑलवेज कंपाइल्स विद द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ज्यूरिडिक्शन वेयर इज ऑपरेटेड एंड विल बी फॉलोइंग द डायरेक्टिव बाय गवर्नमेंट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। फॉर ऑल एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन गिव्स देम एन ऑप्शन टू रिमूव इट फॉर द कंसर्न सिस्टम फीचर क्लीन अप स्टोरेज। वी विल ऑल्सो रिलीज OTA अपडेट एंड ऑल एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ रियलमी दिस फीचर बाय अर्ली अगस्त। तो अगस्त महीने का पहले वीक में यहाँ पे OTA अपडेट आएगा। जितना सारे एग्जिस्टिंग रियलमी फ़ोन है और प्रिंसल ऐप है जो आप यहाँ पे विदाउट कंप्यूटर नहीं हटा पाओगे वो यहाँ पे OTA के थ्रू जो अपडेट आएगा, एग्जिस्टिंग ऐप आप हटा पाओगे जिसमें क्लीन मास्टर चीता भी शामिल है और भी जितना सारे ऐप्स यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से बैन किए गए। इफ़ यूजर्स रिक्वायर सच फीचर्स दे कैन चूज ए थर्ड पार्टी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। अगर कोई भी कस्टमर चाहते हैं तो वो थर्ड पार्टी ऐप यहाँ पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए वो अनइंस्टॉल कर पाएगा ये बता दिया। वी ऑल्सो वॉन्ट टू हाईलाइट दैट आवर अपकमिंग रियलमी 6i एंड अदर अपकमिंग स्मार्टफोन विल नॉट हैव एनी प्री इंस्टॉल ऐप फ्रॉम द बैन ऐप लिस्ट एंड रिक्वेस्ट यू टू अपडेट योर सॉफ्टवेयर वाया OTA इफ यू आर फेसिंग एनी इशू। तो रियलमी 6i जो लॉन्च होने वाला है 2 दिन बाद, और जितना भी रियलमी का नया फ़ोन आएगा अपकमिंग सब में यहाँ पे कोई भी प्री इंस्टॉल ऐप नहीं रहेगा जो गवर्नमेंट की तरफ बैन किया गया है। कोई भी ऐसा ऐप नहीं रहेगा रियलमी 6i हो या फिर जितने सारे अपकमिंग डिवाइस हो रियलमी का, उसमें प्री इंस्टॉल कोई भी ऐप नहीं रहेगा जो इंडिया में बैन है। और आपका एग्जिस्टिंग फ़ोन के लिए यहाँ पे OTA अगस्त का पहले वीक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहाँ पे आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। वी थैंक यू फॉर रीचिंग आउट ऑफ आस एंड फॉलोइंग आस टू शेयर आवर व्यूज़। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया है और आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ यही है कि आप जितना सारे ऐप्स से यहाँ पे हटा सकते हो, जैसे क्लीन मास्टर हो अभी नॉर्मल से आप हटा नहीं पाओगे, तो अगर आप अभी हटाना चाहते हो वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, वो देख लो, वहाँ से कंप्यूटर लेकर आप हटा सकते हो। लेकिन जब यह आ जाएगा अगस्त महीने में और पहले वीक में ये आ जाएगा तो आप यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर नहीं लाएगा OTA के थ्रू ही आप यहाँ पे अपडेट होने के बाद अनइंस्टॉल कर सकते हो सारे ऐप। और जितना सारे नया डिवाइस आएगा उसमें तो बता ही दिया गया है कोई भी ऐप्स नहीं रहेगा। तो एक रियलमी ने अच्छा कदम उठाया है मेरे ख्याल से और चाइनीज़ जो ऐप है वो यहाँ पे बैन किया है। तो कंपनी ने गवर्नमेंट के बात सुना है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब रियलमी फ़ोन सेफ हो जाएगा जैसे डेटा प्राइवेसी के लिए इशू चल रहा था। तो सही था कि रियलमी का अच्छा न्यूज़ जो फैन के लिए यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो वीडियो देने बाय।